वहीं दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एमओयू और एग्रीमेंट का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। हमें फिनटेक, सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम जैसे नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए। हम भारत के यूपीआई और मलेशियाई पेमेंट को जोड़ने पर काम करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर। भारत आसियान केंद्रता को प्राथमिकता देता है। हम सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। हमारा मानना है कि आर्थिक सहयोग में अभी और बहुत पोटेंशियल है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। हम सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए।